के रोहतांग पास का जो नज़ारा होता है वह बेहद खूबसूरत होता है। आपको चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे और बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। यह दोस्तों, रोहतांग पास के बारे में आपने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। तो चलिए आज हम आपको लेकर चलते हैं हिमाचल प्रदेश में स्थित रोहतांग पास की सैर कराने। दोस्तों, हमने सफर बिलासपुर छत्तीसगढ़ से तय किया और रेलवे के माध्यम से दिल्ली पहुंच गए, जो लगभग 1100 किलोमीटर दूर है। इसके बाद रोहतांग पास के लिए हम बाय रोड दिल्ली से मनाली पहुंचे, जो लगभग 590 किलोमीटर दूर है, एवं मनाली से अपना सफर स्टार्ट किया रोहतांग पास के लिए, जो लगभग 51 किलोमीटर दूर है। दोस्तों, मई जून के माह में यदि आप जाते हैं तो वहाँ का नज़ारा कैसा होता है, लोग रोहतांग पास क्यों जाते हैं और यहाँ जाने का सही समय क्या होता है। दोस्तों, यदि आपको रोहतांग पास के बारे में पूरी जानकारी चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए दोस्तों, अब हम मनाली से रोहतांग पास के लिए अपना सफर चालू करते हैं। दोस्तों, हमने रोहतांग के सफर के लिए एक टैक्सी हायर कर लिया, जो आपको यहाँ पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। दोस्तों, रोहतांग पास का सफर काफी रोमांचक और खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर काफी सकरा रोड रहता है और इसमें स्किल्ड ड्राइवर होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, तो हम पहुंच चुके हैं अटल टनल। अटल टनल रोहतांग पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर अटल टनल निर्माण किया गया है। रोहतांग सुरंग या अटल टनल विश्व की सबसे बड़ी सुरंग है, जो मनाली लेह राजमार्ग पर रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई है, जो लेह को मनाली से जोड़ती है। यह सुरंग घोड़े की नाल के आकार की है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर हिमाचल प्रदेश भारत में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे बनाई गई एक राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई में यह दुनिया में 10,000 फीट के ऊपर की सबसे लंबी राजमार्ग एकल ट्यूब सुरंग है। लेह मनाली राजमार्ग सभी मौसम के लिए अब सड़क बन गया है। दुनिया की सबसे ऊंची लगभग 10,040 फीट पर बनी हाईवे टनल से देश की सरहदें नजदीक आ गई हैं। चीन तथा पाकिस्तान सीमा पर पहुंचना आसान हो गया है। सर्दियों से सर्दियों का कहर झेलने वाले लाहौल घाटी के लोगों के दुख अब दूर हो चुके हैं। 6 महीने बर्फ से ढकी रहने वाली लाहौल घाटी टनल बनने से साल भर के लिए मनाली से जुड़ गई है। घाटी में पर्यटकों का आवागमन पहले से अब बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। अटल टनल का छोर मनाली की तरफ से सुहानी वादियों से शुरू होता है और दूसरे छोर लाहौल स्पीति में निकलता है। बर्फ से ढकी यह वादियां पर्यटकों को खूब लुभाती है। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि रोहतांग पास का जो नज़ारा होता है वह बेहद खूबसूरत होता है। आपको चारों तरफ बड़े बड़े पहाड़ नजर आएंगे और बर्फ ही बर्फ नजर आएगा। यहाँ का नज़ारा बहुत ही अद्भुत होता है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आप जन्नत में पहुँच गए हों। दोस्तों, रोहतांग पास का सफर काफी रोमांचक और खतरनाक भी है, क्योंकि यहाँ पर काफी सकरा रोड होता है और यहाँ स्किल ड्राइवर होना बहुत जरूरी है। इसलिए आप कभी भी जाएं पूरी सावधानी के साथ जाएं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि रोहतांग पास में आपको बर्फ मिलेगा और वहाँ ठंड भी बहुत ज्यादा पड़ती है, इसलिए आप जैकेट, हैंड ग्लव और गम्बूट किराए से ले लें, जो आपको आसानी से रास्ते में उपलब्ध हो जाएगा। जैसे जैसे हम रोहतांग की ओर आगे बढ़ते जा रहे थे, नज़ारा बेहद खूबसूरत होता जा रहा था। हमने सोचा भी नहीं था कि इतना सुंदर नज़ारा हमें देखने को मिलेगा। दोस्तों, रोहतांग पास पूरे वर्ष नहीं खुला रहता, यहाँ पर बर्फबारी होती रहती है। खराब मौसम होने के कारण इसे बंद कर दिया जाता है, इसलिए आप यहाँ पर किसी भी समय नहीं आ सकते। भारी बर्फबारी और खराब मौसम के कारण यह नवंबर से अप्रैल तक रोहतांग पास बंद रहता है। रोहतांग पास मई से जून खुला रहता है। इस दौरान यहाँ पर भारी संख्या में पर्यटक आते हैं।
जुलाई और अगस्त में भूस्खलन के कारण यहाँ मार्ग बंद हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप रोहतांग पास के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप सुबह जल्दी ही निकलें, क्योंकि यहां पर सैकड़ों पर्यटक का आवागमन रहता है और इससे काफी लंबा ट्रैफिक जैम भी लग जाता है जिसमें लोग फंस जाते हैं। दोस्तों, रोहतांग पास जाने का रास्ता काफी खतरनाक है। अगर आप रोहतांग पास की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो आप मनाली में बहुत सारे होटल हैं जहां पर आप रुक सकते हैं और वहां से रोहतांग पास आसानी से जा सकते हैं। रोहतांग पास भारत के हिमाचल प्रदेश में कुल्लू घाटी और लाहौल और स्पीति घाटियों के बीच की ऊंचाई पर स्थित एक हिमालय का दर्रा है। यह हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी के पूर्वी भाग में मनाली से 51 किलोमीटर दूर है। यह पूरे वर्ष हिमग्रस्त रहता है। हिमाचल को लद्दाख से जोड़ने वाला मनाली लेह राजमार्ग इस दर्रे से गुजरता है। यह दर्रा मौसम में अचानक अत्यधिक बदलावों के कारण भी जाना जाता है। इसे लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जा सकता है। पूरे वर्ष यहाँ बर्फ की चादर बिछी रहती है। यहाँ से हिमालय श्रृंखला के पर्वतों का विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। बादल यहाँ पर पर्वतों से नीचे दिखाई देते हैं। यहाँ ऐसा नजारा दिखता है जो पृथ्वी पर बिरले ही स्थानों पर देखने को मिलता है। रोहतांग पास में स्कीइंग और ट्रैकिंग करने की अपार संभावनाएं हैं। हर साल यहाँ हजारों की संख्या में पर्यटक इन आकर्षक नजारों का लुत्फ उठाते हैं। पर्यटकों की बढ़ती संख्या के कारण इस क्षेत्र में गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि बर्फबारी के वजह से कई बार तो यहाँ के मार्ग भी बंद कर दिए जाते हैं। अक्सर नवंबर से अप्रैल माह का जो समय होता है उस दौरान काफी बर्फबारी होती है और इस दौरान रास्ते भी बंद हो जाते हैं। और यहाँ के जिले के जो लोग हैं, लगभग 30,000 लोग बर्फबारी की वजह से जब रास्ता बंद हो जाता है तो लगभग 30,000 निवासी दुनिया से कट जाते हैं। अक्सर 5 से 6 महीने के लिए ऐसी स्थिति हो जाती है और सोचिए वहाँ का जीवन कितना कठिन हो जाता होगा। दोस्तों, आप मई या जून के माह में आते हैं तो आपको बर्फ बिल्कुल रोड के करीब नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ दूर पैदल चलकर या घोड़े की सवारी की मदद से बर्फ वाले पॉइंट तक पहुँचना पड़ता है। दोस्तों, यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा है और बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, इसलिए आप अपने जैकेट्स, हैंड ग्लव्स और गमबूट पहन लें। और यदि आप नहीं करते हैं तो ठंड की वजह से आपके हाथ और पैर ठंडे पड़ सकते हैं। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे टैक्सीज हैं और यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ भी नजर आएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर घोड़े भी उपलब्ध हैं और कुछ मोटर बाइक्स भी उपलब्ध हैं और कुछ फीस पे करके आप क्या है कि सवारी कर सकते हैं और वे आपको बर्फ वाले पॉइंट तक पहुँचा देते हैं और आप वहाँ बर्फ का लुत्फ उठा सकते हैं।
बादल भी काफी नीचे आ चुके थे। ये देखिए, ये देखिए।